हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450। नाउ देखिए, क्योंकि जैसे जैसे विंटर आ रहा है और ये क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो कि पूरे एनसीआर की हवा को पॉल्यूट करती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से, क्या इश्यूज हैं, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और क्यों अब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज कि क्रॉप रेसिड्यू हम लोग बोलते किसको हैं, तो इट इज द लेफ्ट ओवर इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग प्रोसेस। जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर बच जाता है वो सब हमारा क्रॉप रेसिड्यू कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग किसको लिख सकते हैं, जैसे स्टबल, ठीक है, इसी की बर्निंग को लेके सबसे ज्यादा इश्यू होता है। उसके बाद स्टॉक्स, जितने भी आप वेस्ट देख सकते हैं जिसको अब तक वेस्ट माना जाता था, बट अब इसका काफी वेरियस यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे हस्क, ऑलराइट, ब्रैन, बसाज, सॉरी बेगैस एंड मोलासेस। तो ये सब क्रॉप रेसिड्यू का पार्ट है। इसका यूज आप जानते हो, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है इन दो का यूज यूज ऑलराइट। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इसका आफ्टर ऑल हम लोग इसका यूज कर कहाँ सकते हैं। अगर हम इसका यूज करना भी चाहें तो हम लोग इसको कहाँ यूज करें, कि क्योंकि देखिए, अगर आप इसका कहीं ऑल्टरनेटिव यूज प्रमोट कर पाएंगे तो फार्मर्स को इसको बर्न करने की जरूरत नहीं होगी और उनका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू होगा। तो इसके वेरियस यूजेज में सबसे कॉमन यूज है, एक तो लाइव स्टॉक को डालते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, एनिमल वगैरह को फीड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं उसको। दूसरा, हमेशा ट्रेडिशनल, सिंस एंशियंट टाइम हम लोग इस चीज को सॉइल मल्चिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऐसी बिलीफ है कि इससे सॉइल जो हमारी है वो रिजुविनेट हो जाती है। ट्रेडिशनल बिलीफ है ऐसी, बट ऐसा कोई श्योर, ऐसा कोई प्रूवन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, बायोगैस की जनरेशन के लिए आप यूज करते आए हो इसको। पुराने जमाने में गांव में यूज होता था, गोबर गैस प्लांट वगैरह आपने देखे होंगे, लगते थे, ठीक है, बायो मैन्योर की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद एक इसका सबसे अच्छा यूज आया है मशरूम कल्टीवेशन के लिए। ये आप याद रखिएगा, ये इस तरह के जो पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिखते हैं ना, वो काफी अच्छा इंप्रेसिव करते हैं आपको। उसके बाद सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, जो आजकल बहुत प्रमोट किया जा रहा है, याद कीजिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वगैरह, उसमें मेन गोल हमारा यही है कि हमें फर्स्ट जनरेशन वाले प्रमोट नहीं करने, हमें सेकेंड जनरेशन फ्यूल ज्यादा प्रमोट करने हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वेस्ट से बनते हैं, राइट। तो ये सारे हो गए हमारे यूज। इसके बाद कुछ डेटा देख लेते हैं, क्योंकि डेटा जब तक ना हो तब तक आंसर उतना अच्छा बनता नहीं है। अगर हम टोटल क्रॉप रेसिड्यू की बात करें, जितना इंडिया में निकलता है, तो इट इज समवेयर अराउंड 683 मैट्रिक टन। ऑलराइट, इतना ज्यादा रेसिड्यू निकलता है हमारा क्रॉप रेसिड्यू। अब अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें ना, तो करीब करीब 500 तो हम लोग रिसाइकल कर लेते हैं, ओके, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक फॉडर के तौर पे यूज कर लिया हमने, ठीक है, कोई डोमेस्टिक यूज कर लिया जैसे फ्यूल वगैरह बनाने में या गोबर गैस प्लांट वगैरह में। थर्ड, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज कर लेते हैं, जैसे आजकल हम उसके पैलेट बना रहे हैं और पैलेट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं कोल के साथ थर्मल पावर प्लांट में जनरेशन के लिए। ऑलराइट, इसके बाद बच गया हमारा 183 मेट्रिक टन, ठीक है। अब ये जो 183 बच गया ना, यही है सबसे ज्यादा जो पंजाब, हरियाणा और हमारा वेस्टर्न यूपी में बर्न किया जाता है। ऑलराइट, इसी को टैकल करना सबसे बड़ा इशू बन रहा है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है आखिर, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनसाइंटिफिक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो सबसे पहला कि ये आपकी सॉइल की हेल्थ जो है उसको खराब करता है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है, ठीक है, ये कोट करना जरूरी हो जाता है, सॉरी नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब करीब 1 मिलियन टन इतना एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये हम लोग हर साल लूज कर जाते हैं ड्यू टू दिस स्टबल बर्निंग, ठीक है, बर्निंग की वजह से। और इस बर्निंग से एक और लॉस क्या होता है कि अल्टीमेटली आपकी सॉइल का टेम्परेचर बढ़ा देता है। जब सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इट विल लीड टू द डेथ ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, तो जो ट्रेडिशनल बिलीफ थी कि ये तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, ऐसा नहीं है, ये उल्टा आपकी सॉइल को और बेकार कर रहा है, डेटोरिएट कर रहा है। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो अब ये भी याद रखना आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा, एक बार एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बर्निंग से कौन कौन सी गैस रिलीज होती है, तो उस सब के लिए याद रखिए, जब हम क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन होते हैं, राइट, इसके अलावा मीथेन होता है,
ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और आपको पता है ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारी एसिड रेन। और यही आपका क्वेश्चन था प्रीलिम्स 2022 में, क्लियर। अब ये सारी गैस रिलीज होने से फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज और ज्यादा एग्रेवेट हो रहा है, क्लियर। तीसरा, ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। दिल्ली में एक इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ऑलमोस्ट 70% बच्चे अस्थमा हो सकता है इनको दिल्ली की पॉल्यूटेड एयर की वजह से। और जब आप बर्न करते हो ना, तो बहुत ज्यादा PM 2.5 एंड PM 10 रिलीज होते हैं, ठीक है, विच आर एक्चुअली कार्सिनोजेनिक इन नेचर। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। इसके अलावा ये आपको लंग डिसीज के भी वल्नरेबल करते हैं, ये जो पॉल्यूटेड एयर्स होती हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं ना, ठीक है, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट करते हैं। और एनिमल्स को भी के लिए भी एक डेंजर है, क्लियर। तो ये होगी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनसाइंटिफिक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजन क्या है स्टबल बर्निंग के, आखिर फार्मर्स क्यों कर रहे हैं बर्निंग, जब हम 500 मैट्रिक टन हैंडल कर सकते हैं तो बाकी का 183 हम लोग क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं पंजाब हरियाणा और यूपी वाले एरिया में स्पेशली। देखिए, सबसे पहला रीजन है पॉसिटी ऑफ टाइम। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने राइस कल्टिवेशन किया सपोज, ठीक है, उसके बाद ये जो पैडी स्ट्रॉ होती है ना, इनको क्लियर करने के लिए चाहिए थोड़ा सा टाइम, राइट। लेकिन हमें जल्दी होती है कि हमें अगली जो वीट ग्रो करनी है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इसको क्लियर करने में 1 वीक या 2 वीक्स का टाइम स्पेंड कर सकें, बिकॉज हमें बहुत जल्द वीट जो कि राबी सीजन में ग्रो करते हैं उसको उसको प्लांट करना होता है, राइट। तो पहला तो रीजन हो गया पॉसिटी ऑफ टाइम। दूसरा, फॉल्स ट्रेडिशनल बिलीफ, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऐसी बिलीफ मानी जाती है कि ये रिस्टोर कर देगा हमारे न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू सॉइल, रिस्टोर न्यूट्रिएंट बैक इन सॉइल, ठीक है। ये फॉल्स बिलीफ है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपकी सॉइल को और ज्यादा बंजर बना रही है ये चीज जो आप बर्न कर रहे हो, राइट। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ फार्म लेबर। अब देखिए, पहले जब लेबर्स वगैरह बहुत इजिली अवेलेबल था ना, तो वो मैनुअली इसको कट कर देते थे, बट कहीं ना कहीं मनरेगा और ऐसी कई स्कीम्स आने के बाद आज रूरल एरियाज में उतना इजिली नहीं मिलता लेबर, राइट। जब कोविड लॉकडाउन भी हुआ था ना फर्स्ट वाला, तो उसके बाद फार्मर्स ने बहुत कन्विंस करके जो लेबर्स आता था यूपी से बिहार से उसको बुलाया, और जब उन्होंने वापस आए ना, तो बकायदा रेलवे स्टेशन पर उनका हार माला से स्वागत किया, ठीक है। तो इतना ज्यादा दूसरे स्टेट से माइग्रेट करके आने वाले लेबर्स पे डिपेंड करती है पंजाब हरियाणा की एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ऑलराइट। तो लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से उनको क्या लगता है कि यार ज्यादा इजी है कि जला दो, दिस इज वन रीजन। नेक्स्ट इज नॉन अफोर्डेबिलिटी इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न मशीन। अब देखिए, मॉडर्न मशीन में काफी सारी आ जाती हैं, जैसे हैप्पी सीडर, अरे उसके बाद रोटावेटर आपने सुना है, सुपर सीडर। तो पंजाब हरियाणा के किसान वैसे जनरली काफी रिच हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी डजेंट केयर कि रहने दो यार चला देंगे, ऑलराइट। और फिर जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए अल्टीमेटली वो अफोर्डेबिलिटी का इशू बन जाता है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी मशीनों को, ओके। तो ये कुछ रीजंस हैं फॉर स्टबल बर्निंग, कि स्टबल बर्निंग क्यों ऐसी की ऐसी ही चली जा रही है अभी तक, इसको हम टैकल नहीं कर पा रहे, स्पेशली ये जो एनसीआर के आसपास का रीजन है। अब ये देख लेते हैं कि आखिर स्टेप्स क्या लिए हैं इसके लिए, गवर्नमेंट ने कोशिश की है क्या, बिल्कुल कोशिश की और काफी साल से कर रही है। जैसे वापस पीछे जाइए 2015 में, तो 2015 में एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया था कि इसने प्रोहिबिट किया था कि आप स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे बिल्कुल, स्पेशली पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड यूपी वाला एरिया, वेस्टर्न यूपी एग्जैक्टली, ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो पूरा एनसीआर रीजन है, इसमें बैन लगाया था कि आप नहीं करेंगे, और अगर आप वायलेट करते हो इसको, इस प्रोहिबिशन को आप वायलेट करते हो, तो डेफिनेटली आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी विच विल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब आप समझ सकते हो कि स्पेशली स्टेट्स लाइक पंजाब, वहां पर इतना ज्यादा किसानों का दबदबा है, आपको लगता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट पेनल्टी लगाने की हिम्मत करेगी वहां, नहीं करती है, और इसीलिए ये चीज रुक नहीं रही है।
नेक्स्ट है, मैंने जब आपको एक सेपरेट लेक्चर कराया था एनसीआर के पोल्यूशन, उस पर मैंने आपको ये बॉडी के बारे में बताया था, नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, तो इसका बकायदा पूरा एक एक्ट आया था 2021 में, उसके थ्रू ये स्टैब्लिश की गई थी। और इस बॉडी ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि कैसे हमें एयर पॉल्यूशन, एनसीआर रीजन में जो एयर पॉल्यूशन स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है, उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो इसने पूरा एक फ्रेमवर्क दिया है कि इसको कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट इज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। तो इसके लिए ये लॉन्च की गई थी करीब 2018-19 में कि हम लोग अगले 5 साल में 2024 तक फ्री कर देंगे, ठीक है, स्टबल बर्निंग का जो मैनेज है इसको खत्म कर देंगे। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप मशीन्स लेना चाहते हो लाइक हैप्पी सीडर, ठीक है, या फिर रोटावेटर, इस टाइप की अगर आप मशीन लेते हो तो सरकार आपको 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इस पे, ठीक है, ताकि आप ये सब यूज करो और बर्न करने की जरूरत ना पड़े। बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। और दूसरा एक और था कि हमने इसके लिए स्टैब्लिश किया था, पंचायत को इंसेंटिव दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 80%, ठीक है, 80% तक का हमने असिस्टेंस दिया पंचायत को कि आप कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलप कीजिए। इसका क्या काम है, यानी कि आप रेंट पे ले सकते हो, रोटा वायरस, हैप्पी सीडर हर किसान क्यों खरीदेगा, उसको सिर्फ पराली ही क्लियर करनी है ना साल में 2 बार, तो ठीक है, मुझे जब जरूरत होगी तब मैं जाकर रेंट से ले लूंगा, अपना काम करके लौटा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सेटअप करने पड़ेंगे कस्टम हायर सेंटर। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था अप टू 80%। क्लियर। नेक्स्ट इज रिवाइज गाइडलाइन फॉर ऑफ साइट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब था कि ये जो चारों स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर ये गाइडलाइन दी गई थी। और इसका मेन काम था कि क्रॉप रेसिड्यू को डेवलप करेगा एक पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन में, ठीक है, एक प्रॉपर पूरी की पूरी पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्टेब्लिश की जाएगी ताकि इससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, इसकी एक वैल्यू क्रिएट की जा सके इस वेस्ट की, ठीक है। फिर उसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, हम लोग कोल फायर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन, ठीक है, या हम उसे बायो इथेनॉल में बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको बायो सीएनजी बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने वेस्ट से भी एक वैल्यू क्रिएट कर ली, फ्रॉम वेस्ट टू वैल्यू, दीज आर दी वर्ड्स दैट यू शुड दैट शुड बी विजिबल इन योर आंसर फॉर गुड मार्क्स। अगर हमने वेस्ट टू वैल्यू क्रिएट कर लिया तो वैसी बात है कि फार्मर फिर जलाएगा नहीं, फार्मर सोचेगा ये भी तो मुझे एक इनकम दे रहा है ना, ये भी मेरी एक इनकम का सोर्स बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या कोई ऑल्टरनेटिव है फार्मर के पास? तो हाँ बिल्कुल है, काफी सारे ऑल्टरनेटिव है। पहला पूसा डिकम्पोजर। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये किसने बनाया, तो ये आईसीआर ने बनाया है, हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने बनाया है। इसने क्या किया है कि एक लिक्विड फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, लिक्विड या कैप्सूल फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको, ये जो स्टबल है आपका, स्ट्रॉ है, इस पे आप इसको छिड़क सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, ये एक्सिलरेट कर देगा डिकम्पोजिशन को, राइट, तो ये जल्दी तेजी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो पहला हो गया हमारा पूसा डिकम्पोजर। दूसरा है बायोचार यूसेज। अब देखिए, बायोचार आपको पता है कि इसमें काफी सारी कार्बन रिच वैल्यू होती है, ठीक है, काफी कार्बन रिच होता है, ठीक है। इसको बना सकते हैं हम इन स्ट्रॉ, जो राइस स्ट्रॉ रह जाता है ना उससे। तो ये अल्टीमेटली फिर क्या करेगा, ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा क्योंकि कार्बन स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। ये बायोचार ना अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है, छोटा सा, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। दूसरा पैलेटाइजेशन, ये परसों मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी यूज किया था कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें छोटे छोटे पैलेट्स में, ओके, स्मॉल स्मॉल पैलेट्स में, फिर हम इसको मिक्स कर सकते हैं कोल के साथ और फिर हम दोनों को यूज कर सकते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट में। क्लियर। इसके बाद हैप्पी सीडर, ये होते क्या है, ये एक्चुअली ट्रैक्टर माउंटेड होते हैं, ट्रैक्टर पे आप इसको अटैच कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि ये एक ही टाइम पर, एक तो ये जो आपकी स्टबल वगैरह है ना उसको निकाल भी देंगे और साथ में मतलब आप तो कह सकते हो कि आपकी जो राइस स्ट्रॉ रह जाएंगी, जो लेफ्ट ओवर है, ये राइस स्ट्रॉ जो रह जाएंगी आपकी, उसको कट भी कर देगा, ठीक है। उसके बाद साथ में ही वीट को सो भी कर देगा, राइट, और फिर जो लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ रहेगी ना, इसको इससे वीट को कवर कर देगा, तो ये और बेस्ट तरीका हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा मल्चिंग का काम ये हैप्पी सीडर अकेले कर देता है।
ठीक है, तो काफी सारा लेबर कॉस्ट आपका बच जाता है। नेक्स्ट है कि इसके अलावा और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो चलिए वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। पहला, रिवाइटलाइजेशन ऑफ स्टबल मैनेजमेंट थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, लाइक हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है, जैसे मनरेगा, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर ये जो क्रॉप इंस्टीट्यूट वगैरह है इसका बेटर मैनेजमेंट हो सके। लेबर नहीं मिल रहा लोगों को, किसानों को, ठीक है, तो जो मनरेगा में जाने वाला लेबर है उसी को आप हायर कर लो, और तो उसका उनको काम भी मिल जाएगा, उनको पैसे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमारा स्टेबल मैनेजमेंट के लिए हमें लेबर भी मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इम्प्रूव सीड वेराइटी। अब देखिए इसमें दो एग्जाम्पल देखिए, जो कि हमारे न्यूज़पेपर में भी देखा था हमने, पूसा बासमती 1509, ठीक है, उसी तरीके से PR 126, ये इनका ये क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं हमें कि क्विकली मैच्योर हो जाते हैं, और क्विकली मैच्योर होने से क्या होता है, हमने जो ऊपर एक रीजन देखा था बर्निंग का, उसमें क्या था कि टाइम बहुत कम बचता है ये जो पैडी है इसकी कटिंग में और अगली जो वीट हमें दोबारा ग्रो करनी है ना उसके बीच का, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना ये बहुत कम रहता है, इस चक्कर में उनको लगता है कि यार एक ही दिन में चला दो। तो ये जो वेराइटीज है पूसा बासमती एंड PR 120, ये क्विकली मैच्योर हो जाती है, तो आपको ये बीच में 15-20 दिन का टाइम गैप दे देती है कि आप आराम से इस ये जो पैडी वेस्ट बचा है इसको कट कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ मॉडल। अब देखिए छत्तीसगढ़ सरकार काफी इनोवेटिव रही है इन चीजों में, इवन उन्होंने 2 रुपए 3 रुपए में गोबर तक खरीदा है किसानों से, जस्ट बिकॉज कि किसान के हाथ में पैसा जाएगा, ठीक है, एक तो ये गोबर का यूटिलाइज तो हो ही जाएगा मैन्योर वगैरह बनाने में, एक वो सड़कों पर जो वेस्ट रह जाता है, खेतों में वेस्ट रह जाता है, वो भी बच जाएगा, और दूसरा किसान को एक इनकम भी मिल जाती है छोटी मोटी, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा मॉडल अपनाया, उन्होंने क्या किया, एक 5 एकड़ का प्लॉट, ठीक है, 5 एकड़ का प्लॉट हर एक विलेज को एक विलेज में फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पर। ऑलराइट, अब ये 5 एकड़ के प्लॉट में क्या होगा कि सबसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर अपना जो पराली है ये दान कीजिए, पराली दान किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऐड किया जाता है हमारा काउ डंग, ओके, अलोंग विथ नेचुरल एंजाइम, और जब ये सब इसमें इसमें क्रिएट किया जाएगा तो यहां से जो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट निकलता है ना वो निकलता है हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट। तो हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं नेशनल लेवल पर, एट नेशनल लेवल, ओके। यही होता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां एक स्टेट को दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है फिर अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज तो ये है कि जब तक फार्मर को हम उतना एजुकेटेड नहीं करेंगे कि इससे आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आज आप यहाँ पे थोड़े से पैसे बचा रहे हो मशीनरी में इन्वेस्ट ना करके, बट उतना ही पैसा आप अपनी फैमिली की हेल्थ में जब वो बीमार होंगे इस गंदी हवा से उसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा आपको, तो घूम फिर के आप जो पॉल्यूशन कर रहे हो वो आपको हॉन्ट तो करेगा फाइनेंशियली भी, राइट। एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड बनाना चाहिए हमें अपने फार्मर्स को, ऑलराइट। इसके अलावा इनको एनकरेज करना चाहिए कि आप इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट कीजिए, ओके। ये हमने आज ये टॉपिक देख लिया क्योंकि काफी दिन से न्यूज में लगातार आ रहा था, तो आई थॉट कि इसको एक ही बार में कंप्लीट किया जाए। क्लियर, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज गिव ए लाइक टू इट एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम थ्रू आउट द ईयर एटलीस्ट 450 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लें, ओके। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।